दोस्तों आपको पता है कि YouTube चैनल हैक होने के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार चैनल हैक हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों मेरे पास जो Instagram आईडी है मेरी टेक्नो गुरुदेव की, वहां पर लगातार दोस्तों हर दिन मुझे कुछ ऐसे DM आते हैं जिनमें कि बताया जाता है कि उनका चैनल हैक हो चुका है और वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज हमारा चैनल रिकवर कर दीजिए। तो दोस्तों वही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपको फॉलो करना है, और अगर आप समय रहते सही तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका चैनल आपको 100% वापस मिल जाएगा बिना किसी टेंशन का। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देव सहानी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव चैनल पर। पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर लगातार यूट्यूबर की हेल्प और सपोर्ट के लिए हमेशा कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा दबा दीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए और ध्यान से समझिए, दोस्तों यूट्यूब पर काम करते हुए मुझे लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं। मैंने 2016 में चैनल बनाया था और अब 2023 चल रहा है, तब से लेकर अब तक कंटिन्यू यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। और जितने भी यूट्यूब के नियम आए हैं, जितने भी प्रॉब्लम आए हैं, सभी मैंने फेस किया है और उसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं टेक्नो गुरुदेव चैनल पर आपके साथ शेयर करता हूँ और आपके चैनल के सेफ्टी के लिए काम करता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एक यूट्यूब चैनल हैक होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। यूट्यूब चैनल मेरा भी हैक हुआ था जिसका कि मैं अच्छा खासा भुक्तभोगी हूँ और मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है कि यूट्यूब चैनल हैक होने के बाद एक यूट्यूबर के ऊपर क्या बीतती है। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल जब हैक होता है तो उसके पीछे भी हमारी ही गलती होती है, हम किसी तीसरे व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकते। और हैकर का काम है दोस्तों चैनल को हैक करना, वो 24 घंटे लगा रहता है कि आप कब छोटी सी गलती करें और आपके चैनल को हैक कर लिया जाए। दोस्तों हैकर जो तरीके अपनाते हैं, जो उनके पास रास्ते हैं चैनल हैक करने के, उनमें से जो सबसे पहला कामगर तरीका है कि वो जो है आपको फेक स्पॉन्सरशिप ईमेल भेजते हैं। दोस्तों कोई भी यूट्यूबर स्पॉन्सरशिप ईमेल को मना नहीं करता है क्योंकि उनको एक छोटी सी वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा पैसा उसमें मिल जाता है। लेकिन दोस्तों हैकर इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं आपके चैनल को हैक करने के लिए। आपने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में जो बिजनेस ईमेल डाल रखा है उस पर आपको फेक स्पॉन्सरशिप की ईमेल आती होगी और वहां पर आपको छोटे से काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट देने के लिए बोला जाता है। और वहां पर उस ईमेल में आपको लिंक मिलती होगी और कोई ऐप्स या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोला जाता होगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं या ऐप्स या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, बस आपका सिस्टम पूरा हैक हो जाता है और आपका जीमेल आपके सिस्टम से लॉग आउट हो जाता है, आपका चैनल किसी और के हाथ में चला जाता है। तो ये कामगार तरीका है और ये अक्सर फॉरेनर हैकर ही इस्तेमाल करते हैं, खासकर रसिया के हैकर जो कि मेरे चैनल को हैक किया था। और दोस्तों जो दूसरा तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसके जाल में आप बहुत ही आसानी से फंस सकते हैं और अपने चैनल को हैक करवा सकते हैं। ये तरीका दोस्तों कुछ इंडियन लुच्चे लफंगे लोग अपना रहे हैं और ये आपके चैनल के साथ साथ आपकी लाइफ को भी बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों ये कर क्या रहे हैं वो समझ लीजिए, वरना आपका भी चैनल हैक हो सकता है, उसके बाद आपके पास रोने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों ये कुछ ऐसे यूट्यूबर को टारगेट कर रहे हैं जो कि अक्सर यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर की हेल्प करते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड जो है इनका चैनल होता है, मतलब कि यूट्यूब से टिप्स और ट्रिक्स जो है ये अपने चैनल पर देते हैं। तो दोस्तों ये जो हैकर हैं ये उन्हीं के नेम पर फेक चैनल बना रहे हैं, उन्हीं के चैनल का लोगो लगा ले रहे हैं, उन्हीं के चैनल का नेम रख ले रहे हैं और उन्हीं के चैनल के सेम हैंडल भी अपने चैनल का रख ले रहे हैं, थोड़ा सा लेटर डिफरेंट कर, क्योंकि आपको पता है कि हैंडल जो है यूनिक होता है। दोस्तों ये ऐसा कर आपको टारगेट कर रहे हैं। जब आप उस यूट्यूबर के वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, तो ये उसी समय आपको उस कमेंट में रिप्लाई देते हैं और कहते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर देंगे। और आप इसी जाल में फंसते हैं, यहीं पर आप गलती करते हैं, आपको लगता है कि वो उसी यूट्यूबर के द्वारा कमेंट किया गया है और आप वहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देते हैं बिना उसके चैनल को चेक किए, बिना उसके चैनल को हैंडल को देखे हुए। बस उसके बाद आप व्हाट्सएप पर चले जाते हैं, वो आपसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करता है और वहाँ पर भी आप गलती करते हैं कि आप उससे वीडियो कॉल के लिए नहीं बोलते हैं, बस वहीं पर आपका सिलसिला जारी हो जाता है, आपको लगता है कि आपकी बात उसी यूट्यूबर से हो रही है जिसको आपने कमेंट किया था। लेकिन दोस्तों कोई बड़ा यूट्यूबर आपको व्हाट्सएप पर इस तरह से रिप्लाई नहीं देता, आपको यहाँ पर सतर्क रहना है।
बस वो आपसे कहता है कि आपकी प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व करेंगे, आप अपना आईडी और पासवर्ड दीजिए, उसके बाद आपके फोन पर ओटीपी आता है, ओटीपी शेयर करते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन आता है, उसको भी क्लिक कर देते हैं, बस काम खत्म, आपका चैनल हैक हो जाता है। लेकिन ये करता क्या है ये भी सुन लीजिए, उसके बाद भी ये आपके फोन को पूरा रिसेट कर देता है। बस यहीं पर खेल खत्म हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आपके पास रोने के सिवाय और उस यूट्यूबर को ब्लेम करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता जिसको आपने कमेंट किया था। आपको लगता है कि वही यूट्यूबर ने आपका चैनल हैक किया है, लेकिन किसी और ने बीच में खेल खेल लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। अब तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको करना क्या है। उसके बाद आप जो है बहुत सारे यूट्यूबर के पास कमेंट करना, डीएम करना शुरू कर देते हैं, आप परेशान रहते हैं कि आपका चैनल वापस आएगा कि नहीं। चैनल वापस आ जाएगा, बस आपको स्टेप फॉलो करना होता है दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको ट्विटर का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप ट्विटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए सबसे पहला रास्ता है कि आप अपने हैक हुए चैनल को वापस ला सकते हैं। टीम यूट्यूब को जाकर ट्वीट करना होता है और ट्वीट करने का जो तरीका है, मैसेज कैसे टाइप करना है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, hello@teamyoutube। जैसे ही वहां पर टीम यूट्यूब का ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप उसको सेलेक्ट कर देंगे तो @teamyoutube ब्लू कलर का हो जाएगा, जिससे कि वो टैग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, मतलब कि अटैच हो जाएगा टीम यूट्यूब के साथ आपका ट्वीट, और आप जो मैसेज टाइप करना चाहते हैं वो मैसेज टाइप कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ मैसेज टाइप करने का, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसमें आप अपने चैनल का यूआरएल भी डाल दीजिएगा, अगर यूआरएल नहीं पता है तो जो चैनल का हैंडल है वो तो आपको याद ही होगा, www.youtube.com/@ अपने चैनल का हैंडल डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास अपने चैनल का कुछ स्क्रीनशॉट है तो वो भी डाल दीजिएगा, टाइमिंग डाल दीजिएगा कि कैसे हैक हुआ, किसने हैक किया और कैसे जो है क्या प्रॉब्लम हुई थी, ये सारी चीज़ें आप बताकर ट्वीट कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों आपको इतना करके रिलैक्स हो जाना है, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको अपने चैनल को मंगाने के लिए काम करना होगा। दोस्तों अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको टीम यूट्यूब के द्वारा 24 से 48 घंटा में रिप्लाई आ जाता है, फिर आपकी चैटिंग उनके साथ स्टार्ट हो जाती है, वो आपसे कुछ जानकारियां लेने लगते हैं कि आपका चैनल कैसे हैक हुआ, किस डिवाइस में था, क्या चैनल का यूआरएल था, क्या आपने पासवर्ड शेयर किया था, सारी इन्फॉर्मेशन आप उनको शेयर करते रहिएगा। और इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद टीम यूट्यूब आपका चैनल वापस कर देगी। इसमें 1 वीक या ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन इन तरीकों को आप सही से करेंगे तभी आपका चैनल आपको वापस मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये भी आपको करने नहीं आता है तो आप टेक्नो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, हम आपके फ़ोन में और अपने फ़ोन में एनी डेस्क की मदद से कनेक्शन करके आपके फ़ोन को रिमोटली जो है अपने फ़ोन से हैंडल करेंगे। और इसी ऐप के बारे में आपको बताने वाला था कि ये है एनी डेस्क ऐप, जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके थ्रू हम आपके फ़ोन को एक्सेस करेंगे और आपके ही फ़ोन से ट्वीट करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आप अपने भी फ़ोन से कर सकते हैं, इसमें एनी डेस्क का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों जब चैनल हैक होता है तो जिस फ़ोन में चैनल लॉगिन रहता है उसी फ़ोन से ये सारी चीज़ें करनी होती है। आप किसी और फ़ोन से करेंगे तो आपको कुछ भी हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पर आईपी एड्रेस के थ्रू ही यूट्यूब ये जांचता है कि ये चैनल कहाँ पे लॉगिन था, किसका था और कैसे हैक हुआ। तो यही सारा रीज़न है और एनी डेस्क की मदद से हम जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं। बस आपको इंस्टाग्राम पर टेक्नो गुरुदेव को कॉन्टैक्ट करना होगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम के ऊपर हम काम करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब भी कोई इशू है, डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए, क्योंकि चैनल पर पूरी लाइफ डिपेंड हो जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो टेक्नो गुरुदेव को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके चैनल के हेल्प और सपोर्ट के लिए हमेशा वीडियो आती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।